यस योगी जी, आपने बहुत सुंदरता से कहा कि इसमें स्वयं सेवकों की सेवा और भक्ति महत्वपूर्ण है। इतने सारे पुष्प बनाने, इतने सारे प्राणी, मनुष्य, पंछी ये बनाना वो कोई आसान काम नहीं था, और वो स्वयं सेवकों ने सीख करके, वो कोई इसके एक्सपर्ट नहीं थे, कोई इसे इसके विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन सीख करके स्वयं सेवकों ने, संतों ने इसका निर्माण किया। एक एक फूल बनाने में कितना पुरुषार्थ सबने किया है। इसमें जो अंदर का जो फ्रेमिंग है वो लोहे के सरियों से उसका फ्रेमिंग किया गया है, उसमें तकनीकी आधार लेकर सब हाथों से किया गया है, तो हर पुष्प में भक्ति की सुवास वहाँ महकती है, वहाँ श्रद्धा की सुवास महकती है। Swami ji, how was it that Pramukh Swami Maharaj was able to inspire so many volunteers from so many different generations? If you think of Pramukh Swami Maharaj's lifespan, his the time period in which he worked, almost 60-70 years, how was it that he was able to connect with all of them and inspire them with the same sort of energy and effectiveness? यस योगी जी, ये आश्चर्य तो सबको है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल दरम्यान इतने सारे लोगों को कैसे प्रेरित किया स्वयं सेवक बनने के लिए। स्वामी आत्मानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान संत थे, वो कहा करते थे कि सो साइलेंट, प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत कम बोलते हुए भी असंख्य लोगों को वो कैसे प्रेरित करते थे। तो ये था उनका शुद्ध जीवन, ये था उनका लोगों के प्रति प्यार, लोगों के प्रति प्रेम। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना जो समग्र जीवन समर्पित किया था, उसका ही यह प्रतिबिंब था। वे गांव-गांव घूमे, घर-घर घूमे, लोगों की भलाई के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने जो किया, उसका यह फल था। ज्योति उद्यान तेजोमय तालाव पासे थी प्रधानमंत्री महोदय पसार थया। स्वामी जी, एक प्रश्न ये था कि आ समय जारे प्रमुख स्वामी नगर पहली बार लोको एनी झांकी झलक आ रीते जोई रहा छे, विश्व भर मा पूरी दुनिया में जब लोग पहली बार इस इन दृश्यों को देख रहे हैं, ये नगर बनाने में स्वयं सेवकों का जो योगदान है उसके बारे में कुछ आप हमें। जी, ये तो एक अकल्पनीय इतिहास या अकल्पनीय कहानी बन रहेगी। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में शायद ऐसा उदाहरण बहुत जूझ या बहुत रेयर कहा जाएगा, इसलिए कि इतनी सारी तादाद में 80,000 से अधिक स्वयंसेवकों की शक्ति ने इसका जो निर्माण किया है, उसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, सब ने यहाँ मिलकर, या छोटे छोटे किसान भी हैं, या छोटे छोटे देहातों से आदिवासी लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, सेवा में गांवों से, शहरों से, विदेशों से, जगह जगह से लोग यहाँ आए हैं सेवा के लिए, निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आए हैं। तो सच में इसके पीछे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा। जी हाँ, परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया था कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत किया है, समर्पित किया है, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी महोत्सव भव्यता से मनाना है, लोगों को एक प्रेरणा मिले इस तरह से मनाना है। तो सच में इस तरह से प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव के लिए जैसे महंत स्वामी जी महाराज ने एक आह्वान किया, तो उस आह्वान को अपने हाथ में, अपने सर पे लेते हुए, अपने हृदयों पे लेते हुए हजारों स्वयंसेवक इसमें सम्मिलित हो गए। तो ये सच में आज का एक सबसे बड़ा चमत्कार है। वंदे स्वामिनम सर्व प्रेममय सेवा भावमय प्रमुख स्वामिनम।